18 साल बाद मेरी बड़ी दीदी मिली। एक लॉन्ग टाइम था ये, बहुत ज़्यादा लंबा। मेरी शादी में वो मुझसे मिले थे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आज मैंने मेरी सिस्टर मेरे ताऊ की लड़कियाँ मिलने आ रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बोलो हेलो गाइस, कैसे हो आप? बोल तू क्यों 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 बोला कर, बता दे। आप जैसे अपने ब्लॉग में बोलते हो वैसे बोलो। वैसे बोलो है, उसकी साइड देख तो मार्केट से आई हूं शॉपिंग करके। बोलो बताओ इनको क्या करके आए आप? ड्रेस लेके। कैसी है लगी तेरे को ड्रेस? अच्छी अच्छी है। और आए कहाँ हो आप? मेरी मसीह है। तो ये क्यूट सी गुड़िया है मेरी सिस्टर की, उनकी। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, बोलो मैंने तो कदे बोला नहीं यार, इन दोनों बुलवा दिया। मैं तो सीधा राम राम करा रही हूँ। ये छोटे वाली हैं, वो बड़े वाली हैं। नाम भी बता दो। ये जो का मेरा बेटा वंदिता के मिला। वंदना नाम भी बोल दो फिर। आए उसका ले जाओ मत नाम। क्या मिल गया आपको? सही रह रही थी भूखी बेचारी। देखो गाइस ये दूध पी रही है बॉर्नविटा का, इसको बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी मेरे जोड़ होगी भैया, लग गया ना तेरे जोड़ भी होगी बेबे, होगी ना तेरे तो बड्डी भी होगी। यही रुक जा रहे नहीं और रुक जा, फिर छोड़ जाएंगे तो ना कल ही छोड़ जाऊंगी एक रात। सुकून खुल लेंगे जब रात ने मस्ती करेंगे हैं। ये भाई जी ला लेगा रात ने बजाऊंगी। इसको तो ऐसे रखे रहे थे यार। हाँ आंसू फिर तो मौसी वर्गी है, मैं भी जुबे रोपड़ा करूँ है ना, मौसी जैसी है। गाइस को पता तो नहीं कहती है स्नैपचैट मौसी नानी है, और ये इनका बड़े वाला बेटा है। हेलो गाइस, और इनका भी चैनल है, बता तेरे चैनल का नाम इमेजिनरी वर्ल्ड। हाँ इनका ये चैनल है, आप इनको भी सब्सक्राइब करना। और ये मेरे जीजू हैं, बोलो देख लो बिना के बोल दिया है। सही बात है ना, कितने दिन में मिले थे हम तो एक डेढ़ साल, एक साल में डेढ़ साल में है ना। और वो तो मैंने 18 साल में मिले हैं, तो 18 साल के बाद मिले, मेरी शादी में मिले थे, मेरी शादी के बाद 18 साल में मिले। तो मौसी देखो, मौसी इतनी दूर क्या आता है, आ जा आ जा। मुन्ना क्या मेरा आप क्यों ना? हाँ बैठ तो लो, आज यूं ही मैं बैठ। और अरे ये माँ बेटी देखो, माँ जवान लग गए हैं। माँ जवान लग गए, मौसी बूढ़ी लग गए हैं। मेरी मौसी का जी लग रहा है ना मौसी, और अपना घर हाँ। की जगह जी कौन लग रहा है ना, कहते मेरे की तरी हम तो जाएंगे घर है ना, मेरा ना लग रहा और तेरी सी बहू फाजिया बनाए जावा वीडियो। मौसी बेटी है ना, हाँ अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट जला ले उसमें लंबी लंबी लग गई थी है ना, उसमें लंबी लंबी लग गई। हाँ सही है, वो लॉन्ग था ना, लॉन्ग का शॉर्ट का ही फर्क हुआ है। एक रोटी अच्छा छोड़ के दे, बस एक छत्ती है खाली, दूध पी लेना नहीं, बैठ जा बेटा, बेटा आज बैठ जा। कोई नहीं वो डाल के दे दूंगी मैं, वो भी है तनीश पिया कर। धोना हो गया नानी खा कर आइसक्रीम, नानी का होया कर ठीक। देखी बीवी हर दिन तोड़ी खाओगी। सारे ने मेरा है
फोन आ रहा है ना, आइसक्रीम खा है। मैसेज आ रहा करडी करडी उस टाइम पे पहुंच जाओ, वो भी गनीमत बहुत फर्क है भी करडी है भी करडी नु भी कोने ना, अगर एक तो ढीला पड़ गया वो मानस सह भी सही फिट से ऐसी सी रही रो चल जाओगा मेरे पर गया का काम हाँ सही थी मोटी भी मेहनत करया करती पूरी जमा सही थी। फिर क्या होया मैं बीमार हो गई बैठना हो गया मेरी गले बैठ गए सारे डॉक्टर भी अरे ये भी फिर उनका भी पेट लकड़िया न्यू होया था उनका पेट मोटा उनको नहीं था उनका कई महीने बैठ के मेरे सारे रहना पड़ता सर दिन तो उसका बहुत फर्क पड़े। अरे ईब वे लूज करते को ना अपनी बात का वो रूटीन को ना था उनका कितने क्यूट लग गए है ना क्यूट चली है ना। क्या नाम आपका? मायरा। अब बता मायरा। हाँ और मायरा के आगे सरनेम एक नंबर की छोरी है मायरा एमएम एक 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 तीन बार कैसे मिठू 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 है ना एमएम ट्रिपल एम ट्रिपल एम है ना पेपर में भी एम डालता है ना। अच्छा अरे ये दांत में न्यू कुरादे टूटे बे बेतरे ई बाए हैं ये टूट के ना है ना आन लग रहे हैं हाँ। ये देखो इसकी लुक जूते देखो इसके मन बहुत सुंदर लगे इसके जूते क्यूट छोरी लगा एक नंबर की है ना देखा ये मुसी बेटी एक सी लगा हाँ लग गए भाई न्यू तो मेरा बेटा है मुसी है लग है ना चोखा चोखा चले जियो उड़े पाओगा रिबी कसर है और रिबी कसर है देख ले भी जान नहीं देते और सही जी नहीं लग रहा हाँ जी लाग तो लग रहा है फिर चले जियो यो रोत तक रहा रोत तक तो अरे लेट 30-35 मिनट में पहुंच जाओगे कुछ ना आता हाँ भाई हमारा हम एक स्कूल चलाती हूँ एक सारा दिव्यांग जहाँ पे गूंगे बहरे बच्चे स्पेशल बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और उनको खाना पीना दवाई कपड़े सब देते हैं और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और ये काम आपके और हमारे सबके सहयोग से मिलके चलता है। तो इसको जितना भी चाहे आप हमारा चैनल है यूट्यूब पर हमारे स्कूल से एक सारा दिव्यांग के स्कूल से चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इन बच्चों के लिए आप सभी आगे आए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ ये इतना कहते हैं कि भगवान किसी को नसीब नहीं होता लेकिन अगर हम इन बच्चों की सेवा करते तो हमें यहीं पे भगवान मिलते हैं इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपने लिए सब करते हैं लेकिन कुछ कुछ अगर हम सब मिलके इन बच्चों के लिए अगर करते हैं तो मेरा तो मानना ये है कि इससे बढ़ के ना कोई पुण्य हम कर सकते। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा थोड़ा सा इन बच्चों के लिए सोचें और आगे आए और इनका चैनल भी है वो सब्सक्राइब करें एक सहारा दिव्यांग हाँ, एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हमारा जो है यूट्यूब पर चैनल है उसको मैं इसमें मेंशन कर दूंगी अगर किसी का भी मन हो तो कुछ सहयोग हो वो जितना सहयोग हो। देखो हम कहते हैं कि भाई हमारे 10 रुपए से आपके 10 रुपए से कुछ नहीं होता लेकिन एक एक बंदे के 10 रुपए देने से उन बच्चों का बहुत कुछ होता है उनका भविष्य बढ़ाने के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सभी लोग जितना हो सके तो प्लीज इनके लिए करें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। सही बात है और ये तो बहुत अच्छा काम है इसमें तो वैसे भी दान करे है आदमी सारा दिन कुछ ना कुछ करे है तो इसमें अगर किसी का मदद करी जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बोलना है आपका तो इसका एयरबैंड देखो भाई ये एयरबैंड मैं रख लूं
बाल तो है मशीन के है ना एक जो कलर पैर के दिखाओ मैंने मुंह तो कम कम चल पर आ मैंने मगा मना तेरे जितने पुराने कपड़े लते जूती हो है ना तू है ना दान न किया कर बाल लते बहुत पुण्य मिले ना नहीं मेरा किसकी दुआ हीरोइन बना दी छोरी ना है ना हीरोइन बन गई ना ये मेरा ऐसा ही लेकर आना है उड़े ते ठीक है मैं आऊंगी ठीक है मम्मी को पता है कहां पे उनको पता है सच्ची बात है ये इसकी मम्मी है इनको पता है कहां पे है छोटी बेबे है ले आवेगी ठीक है ना ठीक बात है ना इनके छोटी बेबे है या तो सही बात है ले पैर के दिखा दे उल्टा यो तो दे दियो हूं बनने आ चाहिए फिर है ना एरविन ने बाय बोल दी ठीक है बाय 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 इतनी क्यूट सी बाय है तो है ना सही है ना चलो ठीक है नानी नमस्ते चलो ठीक है बाय बाय नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बाय ठीक है कोई नाम तो अभी छोड़कर उनके आगे वो घर चले गए तो बहुत अच्छा लगा मुझे 18 साल बाद मेरी बड़ी दीदी मिली एक लॉन्ग टाइम था ये बहुत ज़्यादा लंबा मेरी शादी में वो मुझसे मिले थे और उसके बीच में कुछ ऐसा हो गया कि जैसे वो दूर रहने लगे पानीपत चले गए और वहाँ जाने की मेरी कभी हिम्मत हुई नहीं तो हम बहुत दूर हो गए थे अभी पापा बीमार हैं और वो पापा को मिलने आए हैं इतनी दूर से तो मुझसे भी मिलने आ गए बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके पुरानी याद ताज़ा हो जा हैं जब फैमिली मेंबर ऐसे इतने दिन बाद मिले हैं कोई सारी बात ताई जी की भी बहुत याद आई और ताई जी तो 18 साल में मैंने बीच में देखी ही नहीं कभी भी मिली ही नहीं और इस बात का मैंने बहुत ज़्यादा दुख है बहुत ज़्यादा छोटी सी जिंदगी है कि बता किसके साथ के हो जावे सब ने सब तो मिलना चाहिए सब तो बात करनी चाहिए मेरा बहुत मन है उनते एक दिन स्पेशल जाकर उनते मिल काऊँगी ज़रूर जाऊँगी स्पेशल और बिंटू दीदी जो बड़ी दीदी थी उनसे तो मैं 1.5 साल पहले एक बार मिल ली थी दवाई लेने तब तक गई हुई थी तो उनके पास गई थी उस टाइम उनसे तो फिर भी मिल ली थी और सुनीता दीदी तो बिल्कुल पूरे 18 साल बाद मिली है मेरे को मेरी शादी के टाइम इन्होंने ही मेरा मेकओवर किया था उस टाइम पार्लर वगैरह कहीं नहीं गई थी मैं और तैयार भी दीदी ने ही किया था एक यूनिक सी सिंपल सी लुक थी बहुत अच्छी वो जैसे शादी में भर भर के मेकअप करा कर वो इस टाइप का कोई मेकअप नहीं था मेरा और आपने एल्बम दिखाऊं भी आपने मेरी बहुत सिंपल सी लुक थी पर थी अच्छी सारी चूज ज्वेलरी वगैरह सब दीदी चूज करके लेके आई थी रोहतक से बहुत अच्छा लगा आज उनसे मिलके पुरानी याद बहुत सारी ताज़ा होगी भगवान करे ऐसे मिलते रहें छोटी सी लाइफ है इतनी बड़ी बीमारी मेरे अंदर तो निकल गई आके तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ में बहुत याद आ हैं कि अपना कोई है तो वो दर्द में मिलने आए बहुत अच्छा लगता है ऐसे और आज का दिन तो बहुत अच्छा था
थैंक यू दीदी, आप आए ऐसे ही मिलने आ जाया करो, चाहे एक घंटा रुक जाओ पर दो चार महीने में ऐसे ही आ जाया करो, मैंने बहुत अच्छा लगा। और बच्चे बच्चे तो इतने बड़े हो गए, बिंटू दीदी का जो लड़का था वो तो मेरे तो इतना लंबा कि उसने सरपुच कारण में भी पूरा हाथ लंबा करना पड़ा। तो सारी चीज़ ऐसा लग है जिस तरह 18 साल के बीच में के हो गया बच्चे, ये छोटा सा था दिन मैंने देखा नहीं, कितने दिन बाद देखा पूरा लंबा तगड़ा लड़का हो रहा है उनका। तो बच्चे भी बड़े हो गए हमारे देखो, और मेरे भी बच्चे उन नई बे देखे होंगे या फिर व्लॉग के थ्रू देख लिए होंगे बस, नहीं तो 18 साल बाद या तो मैंने ब्याह आए थे वे या फिर भी इतने बड़े बच्चे हो लिए तो मिलन आए हैं। आज दिन अच्छा था मेरा, कोई मिलने आया और वो भी इतना खास जो इतने दिन बाद मिला, बहुत अच्छा लगा। तो गुड नाइट जी सभी को, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, और ऐसे ही मेरे अपने मेरे पास रहे रहो बने रहो, इससे बड़ी और खुशी की कोई भी बात नहीं। और आप सब की तरफ से भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे चैनल को इतनी ग्रोथ दी, और आज मेरा चैनल सारी चीज़ पूरी करके और एक अचीवमेंट हासिल कर गया। और आज बच्चों ने बताया कि आप तो संभाल ही नहीं रहे हो चैनल को, आप तो ध्यान ही नहीं कर रहे हो, आपके तो वॉच टाइम भी सारी चीज़ इतनी अच्छे से पूरी हो रही हैं, पूरी नहीं ज़्यादा हो रही हैं, और अब से पहले आपकी सैलरी आ जाती है, आपने ध्यान नहीं किया। तो आज जो बेटा आया था वंदित, उसने ही मेरा चैनल मोनेटाइज किया और बहुत अच्छा लगा मेरे को, चैनल भी ग्रोथ कर गया, सारी चीज़ ठीक है, भगवान ऐसे ही सब ठीक रखे। थैंक यू आप सभी को भी, आपकी वजह से ये दिन हुआ है। गुड नाइट जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।